दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाली खाना ढिँडो के बारे में। ढिँडो एक नेपाली नेशनल फूड है। ढिँडो मूल रूप से ग्रामीण इलाकों में बहुत खाए जाने वाला व्यंजन है। ये गेहूं, मक्के, ज्वार आदि के आटे से बनाया जाता है। ये एक शुगर फ्री डिश है। इस खास पारंपरिक डिश को पत्तों वाली सब्जियां, बीन्स, आलू, चिकन, मटन, दाल, कोई भी सब्जियां हो उसके साथ आप आराम से खा सकते हैं। डायबिटिक के लोगों के लिए ये एक परफेक्ट डिश है। आइए जानते हैं ढिँडो व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मक्के के आटे से ढिँडो कैसे बनाते हैं उसके बारे में। इसके लिए 200 ग्राम मक्के का आटा और 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी डालेंगे। फिर धीरे धीरे मक्के का आटा डालते रहेंगे और फिर उसको धीरे धीरे मक्के का आटा उबलते हुए पानी में मिलाते रहेंगे। इसी तरह मक्के का आटा उबलते हुए पानी में पूरी तरह से मिल जाए। उसके बाद ढिंडो तैयार हो जाते हैं। खास पारंपरिक डिश को खाने के लिए आज हम कद्दू के पत्ते, भिंडी और पनीर की सब्जी बनाएंगे।
में टमाटर की चटनी भी बनाएंगे।